लैला मजनू नाम की एक फिल्म आने वाली है, इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। लेकिन आखिर लैला मजनू कौन थे, कहां पर है इनकी मजार, क्या है इनकी प्रेम कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। सिनेमाई पर्दे पर फिर से एक बार लैला और मजनू की अमर प्रेम कहानी को नए तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन जहां तक बात है लैला मजनू की असल प्रेम कहानी की, तो वाकई झकझोर देने वाली कहानी। हालांकि कहानी के कई सारे पहलू हैं, कई सारी किंवदंतियां भी हैं, पर ये कहानी क्या है ये जानते हैं। दरअसल ये कहानी उस दौर की कहानी है जब प्रेम को बर्दाश्त नहीं किया जाता था और प्रेम को एक सामाजिक बुराई की तरह देखा जाता था। ये कहानी है 11वीं शताब्दी की, जब अरब देश में एक अमीर परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कायस इब्न अल मुल्लवा, यानी कि मजनू। इस लड़के के बारे में कई मौलवियों ने, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का बड़ा होकर किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाएगा। लेकिन उस समय मजनू के घर वालों ने इन सब बातों को झूठ और अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता, और प्यार एक ऐसी पहेली है जो अनजान लोगों के बीच गहरा रिश्ता बना देती है। मजनू को मदरसे में पढ़ते समय लैला नाम की लड़की से प्यार हो गया और लैला भी मजनू से बेपनाह इश्क करने लगी। जब यह बात लैला के घर वालों को पता चली तो उन्होंने लैला की शादी एक अमीर व्यापारी वरद अल्थाकफी से करवा दी। जब इस बात का पता मजनू को चला तो वो पागलों की तरह लैला के वियोग में इधर उधर भटकने लगा, और दूसरी तरफ लैला ने भी अपने पति को साफ बता दिया कि वो मजनू से प्यार करती है और वो उसी की होगी, अन्यथा अपने प्राण दे देगी। ये बात सुनकर लैला के पति ने लैला को तलाक दे दिया और उसे वापस उसके पिता के घर भेज दिया। जब मजनू ने फिर से लैला को देखा तो दोनों ने वहां से भागने का फैसला किया, और जब ये बात लैला के भाइयों को पता चली तो वो उन दोनों को मारने के लिए ढूंढने लगे। इसी दौरान लैला मजनू दर बदर भटकते रहे। एक दिन भटकते भटकते राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में प्यास के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई, और जब लोगों को लैला मजनू की इस महान प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को एक साथ दफना दिया। दरअसल ये एक कहानी है, इस कहानी के अंत को लेकर कुछ और पहलू भी हैं, और वो दूसरी कहानी यहाँ से बदलती है कि जब लैला की शादी वरद से करवा दी जाती है, अमीर व्यापारी से करवा दी जाती है। उसके बाद बदली हुई कहानी ये कहती है कि जिससे उसकी शादी हुई वो इंसान काफी अच्छा और खूबसूरत था। जब मजनू ने लैला की शादी के बारे में सुना तो वो आदिवासी इलाके से भाग गया और आसपास के रेगिस्तान में आवारागर्दी करने लगा। उसके परिवार ने उसके वापस आने की आशा छोड़ दी और वो जंगल में उसके लिए खाना छोड़कर चले जाते थे। कई बार मजनू लैला का प्यार में मिट्टी पर लकड़ी की सहायता से लैला पर आधारित कविताएं लिखता था, ऐसा कहा जाता है। लैला को भी शादी के बाद अपने शौहर के साथ उत्तरी अरबिया में भेज दिया गया था। कुछ कथाओं के अनुसार लैला की मृत्यु अपने मजनू को देखे बिना ही हृदय विकार की वजह से हो गई थी, यानी कि गम में वो मर गई थी। लेकिन मजनू को इस बात का पता 688 AD में हुआ था। इसके बाद मजनू ने लैला की कब्र के पास पत्थरों पर 3 कविताएं लिखी जो लैला के लिए मजनू द्वारा लिखी गई अंतिम कविताएं थी। उनकी मृत्यु से पहले उनके प्यार में और भी बहुत सी रोमांचक बातें थी। मजनू द्वारा लिखी गई कविताओं में कुछ कविताओं की लाइनें कुछ ऐसी है कि मैं इस दीवार से गुजरता जाऊंगा जिनसे लैला गुजरती है, और मैं उस दीवार को चूमा करूंगा जिससे लैला गुजरती है। ये मेरे दिल में दीवारों के प्रति प्यार नहीं है जो मेरे दिल को खुश करता है, लेकिन जो उन दीवारों के पास से चलकर मेरा ध्यान आकर्षित करती है उससे मुझे प्यार है। तो लैला और मजनू की ये है दर्दनाक, शोक से भरी लेकिन रोमांचक कहानी। कहानी के कुछ अलग अलग पहलू जरूर हैं, लेकिन कहानी ये जरूर बताती है कि मोहब्बत हो तो लैला मजनू जैसे। इस तरह की प्रेम कहानी को अक्सर कुंवारा प्यार कहा जाता है, क्योंकि ऐसी प्रेम कहानियों में प्रेमी जोड़ों को कभी शादी करने का मौका नहीं मिलता। इतिहास में ऐसी हमें बहुत सी प्रेम कहानियां देखने को मिलती हैं, जिनमें लैला और मजनू के साथ साथ रोमियो और जूलियट का भी समावेश है। लैला और मजनू की मौत के बाद ही दुनिया ने जाना कि उनकी मोहब्बत में कितनी सच्चाई है। इन दोनों को साथ में दफनाया गया ताकि इस दुनिया में न मिल पाने वाले लैला और मजनू जन्नत में जाके एक दूजे के हो जाए। दुनिया में अतीत के इन महान प्रेमियों को भारतीय सेना ने भी पूरा सम्मान दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक पोस्ट को BSF की मजनू पोस्ट का नाम दिया गया है। कारगिल युद्ध से पहले मजार पर आने के लिए पाकिस्तान से खुला रास्ता था, लेकिन इसके बाद आतंकी घुसपैठ के चलते इसे बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि दोनों ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे पाकिस्तान बॉर्डर के महज 2 किलोमीटर दूर राजस्थान की जमीन पर गुजारे थे। उनकी याद में श्रीगंगानगर जिले में लैला मजनू की मजार बनी है, जहाँ पर हर साल 15 जून को महीने में मेला लगता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हर मजहब के लोग अनूपगढ़ तहसील के पास भिंजौर में बनी इस मजार पर मन्नत मांगने जरूर आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी,
बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।